कि आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता दो झंडे नहीं एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार दो संविधान नहीं भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया इसके नीचे हमारा वोटिंग होने जा रहा है। और पहली बार अभी इस पूरे जम्मू कश्मीर सूबे में कभी प्रधानमंत्री नहीं बैठ सकता। प्रधानमंत्री एक ही होता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी की जनता जिसको चुन कर देती है और वो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें। आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है। इसकी मूल इकाई ही हमारा कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मेरा बूथ का मालिक मेरा बूथ का अध्यक्ष होता है। जब बूथ के कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं अच्छों को मैदान छोड़ते हुए मैंने देखा है भाइयों अच्छों को। और इस बार जम्मू कश्मीर के बूथ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू के बूथ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जम्मू में जो परिवर्तन आया वो बताना है। क्या आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता दो झंडे नहीं एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार दो संविधान नहीं भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया इसके नीचे हमारा वोटिंग होने जा रहा है। और पहली बार अभी इस पूरे जम्मू कश्मीर सूबे में कभी प्रधानमंत्री नहीं बैठ सकता। प्रधानमंत्री एक ही होता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी की जनता जिसको चुन कर देती है और वो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें। आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है।